और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर रैली में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। चाय थी मेरी हाथी के पास तो लोग कह रहे भाई जेपी आ गया तो कांग्रेस में ये होगा। मैंने कहा जी मारा बड़ी हाथ बैठना है जेपी के ऊपर, तीन पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को, ये थोथा चढ़ा बाजा घना वाली बात है, बाजे है यो वोट बाट कौन है इसके पास, वोट तो आपने देने हैं और ये संख्या आपका प्यार आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता, आप उनके 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला इसको भूमि माफियों का सरगर्ना कहा जाता है, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में इसने काम किया होता मैं बता दूं। और खास तौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूँ, इतना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो। हर चीज में भेदभाव का, क्या किसानों के पानी की बात थी क्या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव ये भूपेंद्र हुड्डा ने और ये जेपी उसका खास आदमी साथियों। हर चीजें बुला दो, हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है कि इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हलके का और देश का कितना विकास हो रहा है। मैं आपको मन से कहता हूँ, इतनी बार भवेन के पास गया या मैं इनके पास प्रार्थना लेके गया आदमपुर हलके के विकास के लिए, इन्होंने आंख बंद करके एक मिनट में हमारे सारे काम किए। हरियाणा गवाह है कि सारे विधायकों से ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रांट कहीं इन्होंने दी तो आदमपुर हलके की दी। साथियों धान उतारने का टाइम आया, बहकावे में नहीं आना है, एक बढ़िया सशक्त नेता है। लोग उल्ट सुल्ट बकवास करते किसी की बहकावे में नहीं आना, आज देश की मजबूती में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में दुनिया के नक्शे पे जो आज भारतवर्ष की मजबूती से पहुंचाया है उसकी मिसाल आज अमेरिका तक के लोग देते हैं। क्या कोई सोच सकता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा हो और जो मीटिंग की चेयर अभी दिल्ली में हिंदुस्तान में हुआ उसकी चेयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको हेड कर रहे हैं। फकर से सिरूपा हो गया, फकर से छाती चौड़ी हो गई कि हमारा देश विश्व गुरु बन के कगार पे। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने एक चीज को समझाया, इसलिए साथियों मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना 10-9 के 9 हलके में जहाँ भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहाँ भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहाँ भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है, हर मुख्यमंत्री पे जाने जाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई एक आदमी बता दे इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई शक की सुई बिखली हो, ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन किसी ने लगाया हो आपके सामने आप देश को तरक्कियों तक पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों मंच पे बैठे हैं ये अफवाहों के घेरे में मत आना, माननीय रणजीत चौटाला जी भारी वोटों से हिसार से जीतेंगे, आप मेरे साथ लिखवा के ले जाओ, ये लोग कुछ भी आपके आगे बोलते रहे। और खास तौर पे आज मैं किसान भाइयों का आज आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मान और सम्मान रखा। कल किसी ने मुझे जी से कोई शर्त लगाया था कि किसान पर विरोध करने भी आएंगे, मैंने कहा आदमपुर हल्का है हर जिला, इतना प्यार स्नेह लोगों का हमने पाया कि हम अगर स्टेज पे होंगे तो कोई एक किसान भाई विरोध नहीं करेगा, दिल में दिल से मोहब्बत दिल से प्यार। उन किसान भाइयों का भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को हमारे मान सम्मान को रखा। अगर कोई उनकी बात है तो भाई मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, पहले भी उनके लिए लाठियां तक हमने खाई, हर आवाज माननीय रंजीत चौटाला जी आपको उठाएंगे पार्लियामेंट में और जहां तक बन पाएगा माननीय मनोहर लाल जी और मैं भी उनकी हर मांग को ऊपर तक पहुंचाकर करवाने का।